हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं। मैं आनंदी पौध, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लेडीज़ होती हैं रात में सोते समय, क्या उनको जो ब्रा होता है वो पहन कर सोना चाहिए। अगर पहन कर सोते हैं तो इससे उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और रात में सोते समय क्या पहन कर सोना चाहिए जिससे हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। तो चलिए वीडियो में आगे बताती हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को हमारे लाइक करना, ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो देखो। जो ब्रा होता है ना, दिन भर हम पहने रहते हैं तो वहाँ का जो ब्लड होता है ना वो बहुत ही स्लो 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 बढ़ता है, और रात के समय अगर आप पहन कर सोते हैं, आपका जो ब्रा होता है उसके नीचे की जो पट्टी होती है ना काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा टाइट पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं मीडियम साइज का पहनते हैं, मतलब कि जो पीछे बंद करने का होता है ना 2 से 3 ऐसे रहता है, आप फर्स्ट में बंद करो, सेकंड में बंद करो या थर्ड में बंद करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा डायरेक्ट थर्ड में बंद करते हैं, जो उनका मतलब कि नीचे का होता है ना काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं कर पाता है, जो कि आपको वहाँ पर निशान ज़्यादा रेड हो जाता है। और बहुत लोगों का अक्सर इसी तरीके से टाइट पहनते पहनते वहाँ पर रेड से जो है ब्लैक हो जाता है, यानी कि काले निशान पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर उनको दर्द के साथ साथ खुजली होने लगती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग का कहना है कि हम ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो हमारा बड़ा दिखेगा, मतलब कि लूज नहीं होगा, ढीला नहीं होगा, ढीला नहीं महसूस होगा। अरे भाई, उसका भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लूज के चक्कर में, टाइट करने के चक्कर में आप अपने आप को तो सही अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप दिन में पहन रहे हो, आपका ढीला है चाहे टाइट है चल जाएगा, लेकिन रात में जब भी आप सोते हो ब्रा को निकाल कर सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी पूरी बॉडी ने अच्छे से सांस ले पाती है, अच्छे से रिलैक्स करती है, वो भी फुर्सत से आराम से चैन से सोती है। जैसे आपको क्या लगता है कि हमारा शरीर बहुत ही थका है, भाई चलो आराम से सो जाते हैं, सोते हो तो कितना अच्छा आपको महसूस होता है ना, शरीर थका रहता है, तो उसी तरीके से भाई आपका वो जो पार्ट्स है वो उसको पूरा दबा के रखोगे, उसको कवर करके पैक करके रखोगे, तो उसको कैसा फील होगा जब उसको वहाँ पे उसको ढीलापन महसूस करोगे, उसको निकालोगे तो आपको भी अच्छा फील होगा, और आपका जो पार्ट्स है ना वहाँ का ऊपर का, उसमें हवा का जब संचार होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा। अगर आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप रेगुलर खूब काफ़ी ज़्यादा टाइट पहन कर रात भर सो, प्रतिदिन रेगुलर हमेशा ऐसा करते रहो, फिर देखो कभी ना कभी आपके सीने में दर्द चालू हो जाएगा। सीने में दर्द होगा तो कहीं ऊपर जो निप्पल होता है उसमें खुजली होना चालू हो जाएगा, तो कहीं सूजन होने चालू हो जाएगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम कैसे होते हैं, आपके टाइट ब्रा पहनने के कारण से। इसीलिए रात में जब भी सो तो ब्रा को निकाल कर सो। अब दूसरी बात कि जितना हो सके उतना रात को ब्रा को निकाल कर हल्के गाउन पहनो या हल्के नाइटी पहनो, जिससे हवा अच्छे से लग सके। सिर्फ ऊपर की मैं ब्रा की बात नहीं कर रही हूँ, नीचे का अगर जैसे कि जो अंडर गारमेंट्स है उसको भी निकाल कर अगर आप रखते हो, हल्के गाउन पहनते हो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है। बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमेशा इन्फेक्शन, खुजली की प्रॉब्लम होती रहती है, पसीने भी रात को होते हैं, हमेशा खुजली महसूस होती है। नंबर का चयन करें, कपड़े का सही चयन करें कि मुलायम है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं। दूसरी बात, स्किन के नुकसान ना पहुंचाए, जो आपके लिए अच्छा रहे आपके स्किन के लिए अच्छा रहे, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।